फैसलाबाद पहुंच गए हैं घंटाघर चौक पे। ये घंटाघर और ये है चेरी बाजार। यहाँ पर है जहांगीर मुर्ग पुलाव, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस है। इतना पुराना है कि नुसरत फतेह अली खान साहब बचपन में अपने खाया करते थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने अपने घंटे में कहा था कि मेरा फेवरेट पुलाव है, बचपन में अक्सर यहाँ आया करते थे। वो दिखाते हैं आपको जहांगीर मुर्ग पुलाव। ये है इनका किचन, ऊपर रेस्टोरेंट है, ये इनका किचन था। ये जेंट्स के लिए वेटिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है सॉरी। और ये फैमिली हॉल, इस तरफ हम फैमिली हैं साथ हैं, तो फैमिली तो यहाँ जाएंगे, वहाँ वीडियो अलाउ नहीं है तो वहाँ की वीडियो नहीं बना सकता। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये पुलाव कबाब के साथ है, कबाब के छोटे छोटे थे दो, चिकन पीस के साथ। टेस्ट चेक करते हैं इसका खा के, अच्छा है, भूख लग रही है तो सब अच्छा लगेगा। टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अजीब सी हो रही है, कुछ टेस्टी हो जाए अजीब सा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बिरयानी, पुलाव यानी बिरयानी है पुलाव है, टेस्टी समझ नहीं आ रहा मैं तो इसका टेस्ट क्या है। टेस्ट का अंदाज़ आप इससे लगाएं, लेट में हमने सारी छोड़ दी, अच्छी सी खाई है मैंने, सिर्फ इतना ज़्यादा लगाई है, देखें सब नहीं छोड़ दी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बिरयानी, नाम ही है इसका बस, अब मियार बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे खाते हैं, कुछ और देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा पुलाव खाने के बाद अब बंगाली की लस्सी पीने जा रहे हैं, मदान हो रही है मगरिब, फिर बाद में बात करते हैं। ये घंटा का चौक और ये बिल्कुल सामने है बंगाली लस्सी वाले, क्योंकि लस्सी थी तारीफें काफ़ी सुनी है, और आज पीते हैं फिर लिख के लस्सी लिखते हैं, चारों तरफ से बाजार निकल रहे हैं और बाजार निकलते हैं अपना घंटा करते हैं। ये बंगाली लस्सी की लस्सी पीते हैं और आप बुलाते हैं। कश्मीरी चाय, गाजर का हलवा, लस्सी, लस्सी तो बहुत अच्छी है। अच्छी थी लस्सी काफ़ी है। अब जा रहे हैं हम लोग एट्रियम मॉल, इंडोर गेम बच्चों के, वहाँ पर माया देखते हैं। जी वेलकम बैक, अब हम आ गए हैं बागे जिना में फैसलाबाद के। ये बागे जिना फैसलाबाद का पार्क है। ये तस्वीर ये है पार्क, जॉगिंग के लिए आपके अच्छा जगह है बच्चों के लिए, तफरी के लिए। ये खूबसूरत सी बात है, आई लव फैसलाबाद। चलें अंदर चलते हैं पार्क के अंदर, देखते हैं कोई झूले वूले यहाँ पर हैं या नहीं। काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है, छोटा सा, जॉगिंग वॉगिंग के लिए आपके लिए है, एक्सरसाइज के लिए। आई लव फैसलाबाद, ये आप देख रहे हैं, ये तो अब जगह जगह लगा होता है। और इसके अलावा बच्चों की राइड्स नहीं है यहाँ पर, वह ये छोटा सा।
में आने की मैं खासा ज़्यादा एक वाइब थी यहाँ पर आने की। रात में तो काफ़ी अंधेरा सा हो गया है। ये टेबल कुर्सी बैठने के लिए आपके काफ़ी अच्छी डेकोरेट की हुई है यहाँ पर इन लोगों ने। ये देखें मटके लगाए हुए लाइटिंग के साथ। ये है पार्क और पिछला हिस्सा इसका। यहाँ एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये दिन में आने का गलती हुई, रात में आया क्योंकि टाइम ही हम इतना लेट पहुँचे यहाँ फैसलाबाद। दोपहर को 2 बजे तक पहुँचे थे। ये समोसे वमोसे आपके बर्गर चिप्स की दुकान स्टॉल लगाया हुआ है। ये सिटिंग एरिया यहाँ कहीं का। जॉगिंग करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं बेबीस, लेकिन बच्चों की मुझे राइट नज़र नहीं आ रही। किसी ने कहा था पीछे की साइड पे हैं पर यहाँ नज़र नहीं आ रही है। बाकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। लस्सी आपको बताऊँ बंगाली की हम पी के जो आए, ज़बरदस्त लस्सी थी, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त लस्सी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। सामने यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, क्या चीज़ें देखते हैं चल के। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई हुई है यहाँ पर पार्क में। ये यादगार है, इसकी डिटेल मुझे मैंने यूट्यूब पर देखी थी लेकिन याद नहीं है, भूल गया इस वक्त इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या थी इसकी। ये है वापसी, अब हमें जाना है एट्रियम मॉल, वहाँ बच्चों का इंडोर गेम है, वो चल के आपको दिखाते हैं। मॉल भी है अच्छा, चलें वापसी चलते हैं। दरख्त देखे काफ़ी पुराना लग रहा है दरख्त। ये देखें आप चेक करें, पत्ते भी इसके खौफनाक सा दरख्त है। ये हम एग्जिट कर रहे हैं वापसी और एट्रियम मॉल की तरफ जा रहे हैं। वापसी हम गेट पे आ गए और ये एग्जिट। पार्क काफ़ी खूबसूरत था लेकिन सिर्फ जॉगिंग वालों के लिए, टाइम पिकनिक मतलब बच्चों के लिए हिसाब से नहीं है। इसका अफ्तार 2006 में हुआ है जी। अब हम पहुंच गए हैं गेट एट्रियम, फंटास्टिक है। यहाँ पर फूड कोर्ट भी है बच्चों के लिए। किनाल रोड पर है, ये किनाल रोड चल रहा है, इसके साथ ही है ये फोर्ट एट्रियम। चलते हैं अंदर। हम लोग बोल रहे हैं फंटाशिया एट्रियम मॉल के पास है, ये एट्रियम मॉल के टॉप फ्लोर पे। अच्छा ट्री बनाया हुआ है लोगों ने, ये अंदर बच्चों की राइट साइड है। ये अंदर चल के देखते हैं और दिखाते हैं अंदर। काफ़ी अच्छी अच्छी राइड है यहाँ पर।
रोड आ गया ये। फूड कोर्ट से अभी उतर रहे हैं ये, नीचे सारे शॉपिंग मॉल है।